एक सवाल सुरभि के पास भी है, फिर हम कुछ ऑडियंस पे से भी सवाल लेंगे। अखिलेश, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये कहना चाहती हूँ, ये मैं आरोप नहीं लगा रही क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और ऑड आवर्स या कोई भी वक्त हो सकता है हम सफर करते हैं। मेरे साथ तो दिन दहाड़े गन पॉइंट पर चेन स्नैचिंग हुई है आपकी सरकार के दौर में। मेरा सवाल एक कॉमन सिटीजन होते हुए सिर्फ इतना है कि अगर हम निकलते हैं, क्योंकि आप जब जब चुनाव आता है नारे दावे बातें और वार पलटवार तंस कसे जाते हैं, अगर एक परसेप्शन लोगों के बीच में बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप भी सवाल उठाते हैं, तो कैसे आप एक परसेप्शन को बदल पाएंगे? क्या आप यकीन दिला पाएंगे कि आप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर हम बात करें तो उतने ही हम सुरक्षित महसूस करेंगे, चाहे वो दिन हो या रात, वक्त कोई भी, किसी के लिए भी? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उन्हें टैक्सी ड्राइवर कैसा मिला और आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज बता रही हैं। मुझे दुख है कि उस समय मुझे नहीं पता लगा, अगर मुझे पता लगा होता तो उस जिले का कप्तान उसी दिन सस्पेंड हो गया होता। और जहां तक उत्तर प्रदेश के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और पुलिस विभाग के लिए स्ट्रक्चरल चेंज जो सबसे बेहतर किया वो समाजवादी सरकार ने किया है, और मैं आपसे कहूंगा इस बात को क्योंकि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसलिए मैं कहूंगा पर्सनली आप समय निकाल करके इसी नदी के किनारे 1090 बना है, आप जाकर के देखिए और उसमें जो अधिकारी बैठे उनसे जानकारी हासिल करिए कि 1090 वुमन पावर लाइन जो बनी थी वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी कारगर थी और कितनी मदद कर रही थी। आज भी लाखों महिलाओं के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करिए 1090। इसके साथ साथ जो डायल 100 बनाया था, मैंने उत्तर प्रदेश के जो उस समय के अधिकारी थे, जो समझदार अधिकारी थे जिनको मुझे लगा कि शायद ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनको मैंने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में भेजा था और मैंने कहा कि वहाँ देख करके आइए उस कंट्रोल रूम को कि आखिरकार वहाँ की पुलिस की फंक्शनिंग क्या है। उसके बाद वो ह्यूस्टन गए, ह्यूस्टन की पुलिस की फंक्शनिंग क्या है वो देख करके आए। उसके बाद सिंगापुर गए वही टीम, और टीम सिंगापुर में देख कर गए कि उनका रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन किया, उस समय प्रोफेसर वेंकट आए और उनसे मिलकर के सरकार ने ये सबसे बेहतरीन डायल 100 डिज़ाइन किया, उसकी वजह से पुलिस को आज सबसे अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम मिला है। तो 1090 और डायल 100 जो गाड़ियां लगाई थी उत्तर प्रदेश में, ये थी कोशिश कि 15 मिनट में गांव में और शहर में 5 मिनट में 4 मिनट में पुलिस पहुंच जाए। आप ये सवाल मुख्यमंत्री से जरूर पूछिए जो सवाल मुझसे आपने पूछा है, और पूछिए उनसे कि डायल 100 को आपने डायल 112 कर दिया, क्या 2000 गाड़ियां उत्तर प्रदेश में या हजारों गाड़ियां समाजवादी सरकार ने खरीदी थी, क्या वो अधिकारियों ने नहीं छीन लिया गाड़ियां? आपने गाड़ियां क्यों नहीं बढ़ाई डायल 100 में? और दूसरा, 1090 को जो बजट मिलना चाहिए था आपने 1090 को बजट क्यों नहीं दिया? ये सवाल अगर आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया है तो आपको 1090 देखना चाहिए कि कितनी मदद मिल रही है, और जो सरकार के मुखिया आएंगे उनसे पूछिए कि आपने दोनों जो स्ट्रक्चर चेंज किया था इसका बजट क्यों आपने खत्म कर दिया।